सो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो गाइस। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल का वॉच टाइम किस तरीके से देख सकते हो गाइस। जी हाँ, अगर आप लोग भी यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है और आप चाहते हो मेरे यूट्यूब चैनल का वॉच टाइम कितना हो चुका है गाइस, तो गाइस आप लोगों को हम यही वीडियो बताते हैं, तो आप लोगों स्टेप बाई स्टेप को फॉलो कर लेना है गाइस। तो गाइस ज़्यादा टाइम गवाते ना हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले गाइस आप लोगों को क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आ जाता है। इसको हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं, अब न्यू टैब सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे सर्च बार में आप YouTube.com करके यहाँ पे सर्च कर सकते हो गाइस। तो फिलहाल हम पहले यहाँ पे YouTube है मेरा, यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आ जाता है। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखने वाला आपका यूट्यूब का लोगो, अगर यहाँ पे लोगो देखने को नहीं मिलता है तो गाइस आप लोग यहाँ पे क्या करना, आप लोग यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन देखने मिलता है तो यहाँ पे साइन इन कर लेना है। साइन इन तो गाइस साइन इन उसी ईमेल आईडी से करना है जिस ईमेल आईडी से आपने यूट्यूब पे क्रिएट किया है गाइस, है ना गाइस। उसके बाद आप लोगों को थ्री डॉट पे क्लिक कर लेना है और इसको यहाँ पे डेस्कटॉप साइज में कर लेना, जैसे कि हमें डेस्कटॉप साइज लिखा है उसको यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लैपटॉप साइज का यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे देखने मिला कुछ इंटरफेस, उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखने मिला आपका चैनल का लोगो, इस लोगो पे क्लिक कर लेना है। लोगो पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखने मिला है यूट्यूब स्टूडियो, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो गाइस आप लोग यूट्यूब स्टूडियो को क्रोम में ही ओपन करना है, बाय द वे आप लोग उसमें ओपन नहीं करना एप्लीकेशन में, है ना गाइस। बाय टू स्टूडियो लोग कर लेते हैं, उसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना। अगर आप लोग ऑटोमेटिक हो जाता है तो गाइस आप लोगों को कुछ देर के लिए उसको अनइंस्टॉल कर देना है या फिर उसको हाइड कर देना है गाइस, है ना गाइस। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इंटरफेस, उसके बाद यहाँ पे देख लो लाइन, यहाँ पे डॉलर वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इंटरफेस आ चुका है गाइस, और आप लोग यहाँ पे देख लो लाइन वॉच टाइम और यहाँ पे सब्सक्राइबर देख सकते हो गाइस। यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर में देखने मिलते हैं जिनकी ये बोल रहा है 1000 सब्सक्राइब कम्प्लीट हो जाने बाद आप लोगों को सब्सक्राइब का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप लोगों के 1000 कम्प्लीट हो जाएंगे। उसके बाद यदि यहाँ पे बोलना है यहाँ पे 4000 वॉच टाइम का, यानी 4000 घंटे का वॉच टाइम भी होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे जाके हम दिखा देते हैं जूम करके, आप देख सकते हो, हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। 4000 वॉच टाइम का यहाँ पे बोल रहा है वॉच टाइम होना चाहिए, तो फिलहाल मेरा यहाँ पे अभी कम हुआ है। तो गाइस ये मेरा न्यू चैनल है इसलिए आप लोगों को हमने अपने एग्जांपल के तहत दिखा दिया है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे अपने चैनल का जो भी वॉच टाइम होता है और जो भी सब्सक्राइबर होता है यहाँ पे चेक कर सकते हो गाइस, ना गाइस। और यहाँ टू स्टेप वेरिफिकेशन को भी यहाँ पे ऑन करना होगा, और यहाँ पे ये ऑलरेडी पहले ही और राइट होता है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप लोग इस तरीके से प्रोसेस से कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को मोनेटाइजेशन के लिए अब वेरीफाई हो जाएगा और आप लोगों को यहाँ पे वॉच टाइम देखने को मिलता है गाइस, है ना गाइस। तो गाइस आशा करता हूँ गाइस जो जानकारी आप जानना चाहते थे आपको मिल चुकी होगी। तभी भी आपको अपने यूट्यूब चैनल का वॉच टाइम देखने में परेशानी मालूम पड़ती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, हम आपको जल्द से रिप्लाई कर देंगे गाइस। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।